मोहतरम भाइयों और बहनों, जिस दौर में और जिस जमाने में हमने आंख खोली है, जिस दौर में हम जी रहे हैं, ये ईजादात का दौर है। नित नई ईजादात आए दिन हमारी आंखों के सामने आ रही हैं। ऐसी नई नई ईजादात जिन्हें हमारे आबा व अजदाद ने न देखा था न जाना था। इन ईजादात में से एक बड़ी तादाद ऐसी है जिनका ताल्लुक मीडिया से है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, जो कि हमारा मौजू आज सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, यूट्यूब, गूगल, व्हाट्सएप, फेसबुक और टिकटॉक जैसे न जाने कितने प्रोग्राम इस सोशल मीडिया के तहत आते हैं। सच कहें तो आज सोशल मीडिया हमारी और आपकी जिंदगी का जुज्व ला यनफक है। आज हम चाह कर भी इससे अपना दामन बचा नहीं सक रहे हैं, चाह कर भी हम इससे दूर नहीं हो पा रहे हैं। हम में से कितने लोग ऐसे हैं कि जिनके दिन का इख्तिताम और जिनके दिन का आगाज सोशल मीडिया के जरिए होता है। हम सोते हैं बिस्मिक अल्लाहुम्म अमूत व अहया और सोने के अज़कार पढ़कर सोने वाले बहुत कम होते हैं। हम में से बहुत सारे लोगों के सोने का अंदाज ये होता है कि फोन देखते देखते, सोशल मीडिया की सैर करते करते हमें आंख लग जाती है, और जब जागते हैं सुबह सवेरे, जागने के फौरन बाद हमारा हाथ हमारे मोबाइल को तलाश करता है, मोबाइल उठाते हैं, फौरन सर्च करते हैं किसका मैसेज आया है और क्या कुछ पैगाम हमें आए हैं। तो हमारी जिंदगी का जुज्व लायनफक बन चुका है सोशल मीडिया। ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम इस बात का जायजा लें कि हमारी जिंदगी पर सोशल मीडिया की वजह से क्या असरात मुरतब हुए हैं। याद रहे, सोशल मीडिया फी नफसी ही ये ना खैर है, फी नफसी ही ये ना शर है। खैर उन हाथों में होता है जो हाथ के से इस्तेमाल करते हैं, शर उन हाथों में होता है जो हाथ के इन्हें इसे इस्तेमाल करते हैं। भलाई उस जहन में होती है जो जहन के इसे यूज करता है, और बुराई उस जहन में होती है जो जहन के इसे यूज करता है। तो गोया फी नफसी सोशल मीडिया में ना खैर है ना शर, इसे यूज करने वाला जहन इसे या तो खैर बनाता है या शर बनाता है, इसे यूज करने वाले हाथ इसे या तो खैर बनाते हैं या तो शर बनाते हैं। मैंने अपनी गुफ्तगू का आगाज सूरह बकरा की एक आयत से किया जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने शराब और जुए के सिलसिले में जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया था तो यसअलूनका अनिल खम्र वल मैसर, ऐ पैगंबर ये लोग आपसे जुए और शराब के बारे में पूछते हैं। कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास, आप फरमा दीजिए कि शराब में और जुए में बड़े नुकसानात हैं और कुछ फायदे भी हैं, लेकिन वो इस्मुहुमा अकबर मिन नफईहिमा, लेकिन इनके नुकसानात इनमें मौजूद फायदों से ज्यादा हैं। इसलिए शराब हराम है, इसलिए जुआ हराम है। शरीयत ने यहां हमें एक कानून बताया, एक उसूल बताया कि जिस चीज में भी इंसानियत के लिए फायदे से ज्यादा नुकसान हो वो चीज हराम होती है। शराब में फायदे कुछ जरूर पाए जाते हैं लेकिन नुकसानात का पलड़ा भारी है तो हराम है। जुए में किसी का कुछ फायदा जरूर हो जाता है लेकिन समाज और सोसाइटी को सामने रख के देखा जाए नुकसानात का पलड़ा भारी है तो हराम है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है सोशल मीडिया का मसला यह है कि इसमें खैर भी है शर भी है, मगर इसके खैर को इसके शर से अलग किया जा सकता है। शराब और जुए में उसके खैर को उसके शर से अलग नहीं कर सकते, उसके फायदे को उनके नुकसानात से अलग नहीं कर सकते, इसलिए वो हराम करार दिया गया। सोशल मीडिया का मामला ऐसा है, गरचे आज उसके नुकसानात फायदों के मुकाबले में ज्यादा है मगर उसके फायदों को उसके नुकसानात से अलग करना मुमकिन है। इसी वजह से मोहतरम भाइयों, इस पर एक हुक्म नहीं लग सकता कि ये जायज है ये हराम है, ये इस्तेमाल करने वाले के अपने तरीके पर है।
जो सही इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए चीज बड़ी नेमत है, और जो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए इसका इस्तेमाल यकीनन ना जायज है।